भाजी खूप छान होती, मी उशिरा आले त्यामुळे मला दोनच मिळाली. इतकी छान होती, संपली होती. इसमें अभी ये बैंगन डालेंगे. भरीत खूपच छान आहे आणि पिठलं भाकरी पण छान आहे, आवडली आहे मला. हां, खेकडा भाजी बोलते इसको. इसमें वैसा कुछ तो यूज होता नहीं है लेकिन ये दिखता क्रैब जैसा इसलिए उसको बोलते हैं. हाँ, भजी खूप छान होती. पिठला भाकरी आणि भरीत एकदम गरम गरम आहे आणि या वातावरणात खूप छान वाटतं. हो गए फ्राई, ये फ्राई हो गया अभी. सगळं जेवण चांगलं आहे, पिठलं भाकरी छान आहे. पिठलं चालू आहे उधर. हां, वो बन गया अभी. हे आहे सिंगडचं स्पेशल दही, मटका दही. हे तुम्ही बघू शकता, एकदम छान आहे दही आणि पडत नाही. अच्छा, एवढं हे पॅक असत, हे पडणार नाही. मी किती हलवते, हे पडणार नाही. दही एकदम पॅक असत आणि हे आमचं घरच्या दुधाचं दही आहे, म्हशीचं दही असत. अभी इसको स्मॅश कर रहे हैं अच्छे से. अभी ये बन गए. हाँ, मैडम कितने समय से ये स्टॉल चला रहे हैं घर पे? अभी तो मैं सिर्फ 7-8 साल से चला रही हूँ. इससे पहले हमारे घर वाले सभी ने चलाया है. मतलब यहाँ पे हमारी 2 पीढ़ी हो गई शायद. मेरी सासू माँ चलाती थी, उनसे पहले उनकी सास करती थी, अभी मैं कर रही हूँ. सबसे पुराना स्टॉल है आपका? हाँ, यहाँ पे सिंहगढ़ पे पहले 4 ही पुराने स्टॉल थे, अभी ये सब इतने बढ़ गए. अभी क्या बनाएंगे मैडम? अभी हम बैंगन का भरता बना रहे हैं. बैंगन का भरता? तो ऐसा बैंगन को फ्राई करना पड़ता है? हाँ, ये बैंगन को ऐसे कट लगाना पड़ता है और वो फिर ऐसे 4 कट अच्छे से अंदर से देख लेना है. फिर अपना तेल अच्छे से गरम जब हो जाए तभी उसमें डिप करना है. पूरे बैंगन को फ्राई करके लेंगे? पूरे बैंगन को. इसमें मसाला नहीं होता है ना अभी? नहीं, ये तो पूरा प्लेन ही है. देखो यहाँ पे अभी हम उसको बाद में तड़का देंगे. और क्या क्या मिलता है अपने यहाँ? पिटला भाकरी रहता है, बैंगन का भरता है, यहाँ पे गरम भाकरी चालू है, पकौड़ा रहता है जो कि यहाँ का स्पेशल है, कांदा भजी. कांदा भजी? हाँ. दिन की शुरुआत तो सुबह तो थोड़े बच्चे वगैरह स्कूल को जाते हैं, उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं. सुबह 8 बजे तक आ जाते हैं ऑफ डे, लेकिन सैटरडे संडे तो जल्दी आ जाते हैं. रहने के लिए कहाँ हो आप? नीचे गांव में ही. गांव में? हाँ, नीचे गांव में. कौन सा गांव पड़ता है? यहाँ पे नीचे गांव है, कल्याण के बाजू में, मोरदरी. वहाँ से आ जाते हैं पार्किंग तक, गाड़ी से आते हैं, उसके बाद सब सामान वगैरह लाना पड़ता है. सामान को ऐसे सर पे ढोके लाते? सिर पे ही लाते हैं, सब सिर पे लाते हैं सामान इधर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं. सुबह से तो कस्टमर का जैसा थोड़ा थोड़ा ही रहता है कस्टमर ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद में धीरे धीरे. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर खाने का टाइम हो गया है तो थोड़ी थोड़ी भीड़ अभी भर रही है. सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए पोहा वगैरह रखते हैं, आलू भजी, प्याज भजी, वो सब रहता है जो यहाँ का स्पेशल है, कांदा भजी उसको बोलते हैं. तो अभी दिन में तो ये बैंगन का भरता, स्प्राउट्स की सब्जी, पिठलं भाकरी, इंद्रायणी राइस वगैरह सब रहता है खाने में. हाँ, ऑप्शन है यहाँ पे. जिस किसको खाली पिठलं भाकरी खाना है तो वो खाते हैं. कुल्लड़ वाला दही है यहाँ पे, छाछ रहता है, बटर मिल्क. पूरे साल पर ये चलता है क्या? हाँ, यहाँ पे तो 12 महीने रहते हैं. 12 महीने? कौन से सीजन में ज़्यादा भीड़ होती है? यही बारिश के सीजन में, ये तो मेन सीजन है इधर का. बारिश के दिनों में लोग बहुत आते हैं. आपका एजुकेशन, पढ़ाई क्या हुआ है? 12th तक हुआ है. अभी क्या है, आदत सी पड़ गई है. पहले तो इतना नहीं था, पहले जगह जगह पे होटल थे, अभी एक ही जगह पे कर दिए तो थोड़ा सामान वगैरह लाने के लिए तकलीफ रहता है. और दिन भर तो इधर चलता ही है काम. और इधर आगे पानी है, पानी तो हमें कुछ ऑप्शन नहीं, नीचे से लाने के लिए इधर से ही सिर पे लाना पड़ता है पानी. यहाँ पे टाके है फोर्ट पे, 360 टाके है पूरे पानी की. पीने का पानी मिल जाता है? पीने का भी है, देव टाका है, उसमें पानी बहुत अच्छा रहता है पीने का. ये कांदा किसके लिए काट? अभी ये प्याज हम ये बैंगन के भरते को फ्राई करने के लिए काट रहे हैं. Thank you.
हो गए फ्राई? ये फ्राई हो गए अभी। इस पे थोड़ा नमक डाल के रखेंगे स्मैश करने के लिए। वैसे तो वो चूल्हे में भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे फोल्ड पे ना, पहले चूल्हे थे सब, अभी ये चूल्हे नहीं है तो सब गैस पे ही बनाते हैं, इसलिए वो फ्राई करते हैं हम। पकोड़ा भी बनेगा? हाँ, अभी प्याज का पकोड़ा बनेगा, पिठला बनेगा, भाकरी बनेगा और भरता भी बनाना है। यहाँ पे सब कुछ रेडी नहीं रहता है, जब भी कस्टमर आए तो सब गरम गरम सबको फ्रेश बना के देते, कुछ भी रेडी नहीं रखते इधर। अभी हम प्याज का पकौड़ा बनाएंगे। नमक डालेंगे, बेसन है, नहीं नहीं कुछ नहीं, जो अपना रेगुलर रहते है। अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, जो प्याज पानी छोड़ता है उसी में से हो गए, और ये रेडी है अभी छोड़ने के लिए। हाँ, अभी पकोड़े छोड़ेंगे। हाँ, खेकड़ा भजी बोलते हैं इसको, इसमें वैसा कुछ तो यूज़ होता नहीं है, लेकिन ये दिखता क्रैब जैसा इसलिए उसको बोलते हैं, शेप उसका वैसा आ जाता है। हाँ हाँ, जैसा जैसा ऑर्डर आएगा वैसे गरम गरम बनता है। हमारे फैमिली में 8-9 मेंबर हैं। हाँ, घर में खेती भी होती है। पिट लेते दे रहे। हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है, हो जाता है। पूरा साल चलता रहता है? साल पूरा साल चलता रहता है। अभी इसको स्मैश कर रहे हैं अच्छे से। पूरा स्टीम निकल रहा है, ये गरम गरम ही अच्छे से स्मैश होता है, ठंडा होने के बाद वो ऑयल पकड़ता है। पिटला चालू है उधर, ये रेडी हुआ है क्या?
हाँ वो बन गया अभी। इसमें टमाटर, प्याज सब मसाले आएंगे। हाँ होममेड वो तो है ना, हमारे सासू माँ बनाती है घर पे, हम होममेड मसाले वही यूज करते हैं। कड़ी पत्ता डाला है, अभी जीरा, हाँ फोड़नी। इधर हमारा पकोड़ा भी बन रहा है अभी। ज़्यादा टाइम लगता है क्या पकोड़ा बनने? हाँ अगर धीमे आंच पे पकाए ना उसको तो वो अच्छा क्रिस्पी बनता है, हाई फ्लेम पे नहीं बनता। ये रेडी हो गया अभी? कौन सा? हाँ वो अभी बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। पकोड़े का प्लेट कितना भी देते हैं? 50 रुपये का पकोड़े का प्लेट है, और खाने का 160 का है। उसमें सब खाना आता है, दो भाकरी, पिटला, बैंगन भरता, स्प्राउट्स, इंद्रायणी राइस, पापड़, ठेचा वगैरह सब रहता है, प्याज की चटनी। रोटी आपका ज्वारी का रहता है? हाँ ज्वार, चावल का भी है। अभी ये बन गए। हाँ बारा 2 बजे दे ना पटकन सर। ये गरम मसाला हल्दी नमक और ये हमारा मसाला। ये कितना 1 kg का बैंगन था क्या ये? हाँ 1 kg का था। इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे गरम, जल्दी से पक जाएगा। इसमें अब ये बैंगन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये रेडी है, थोड़ा सा 5-10 मिनट फ्राई करेंगे, सर्व करने के लिए रेडी है। अभी हम आपको प्लेट लगा के दिखाते हैं। पहले ये क्या चीज है? ये प्याज की चटनी है, यहाँ की स्पेशल है वो। स्पेशल? हाँ। किसके साथ खाया जाता है? प्याज के पकोड़े के साथ, और यहाँ पे जो बनता है सब खाने के साथ में वही सर्व होता है। ये स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स का करी है। बैंगन का भरता, पापड़ है, भाकरी। ये हमारे खेत का चावल है, इंद्रायणी। आपके खेत में ही बनता है? खेत में ही बनता है, हमारे खेत में ही बनता है। बहुत सारा आइटम आप होममेड यूज करते हैं? सब होममेड ही, खेती वाले लोग हैं, ज्यादातर घर पे ही बनाने की सोचते हैं। अच्छा ओरिजिनल भी मिल जाता है और हाँ, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ये हमारा स्पेशल पिटला, और पिटले के साथ प्याज तो चाहिए।
हाँ ये हरी मिर्च लहसुन का टेचा है, पिटला है, बैंगन का भरता, स्प्राउट्स की सब्जी, पापड़ और दो रोटी। इसका क्या भाकरी 160। ओवरऑल सगळं जेवण छान आहे, पिठलं भाकरी घेतलंय, भरीत घेतलंय आणि दही छान आहे आणि भजी पण छान होती, खेकडा भजी जी स्पेशल असती ती छान होती। मडकेतलं दही स्पेशल, आम्ही शिंगडावर जवळजवळ 40 वर्ष झालं दही चिकतोय, आमच्याकडे फक्त दहीच असतं आणि स्पेशल दही म्हणजे खायला शिंगडावर भजी आणि दही शिंगडावर, हे का पालतं केलं तरी पडणार नाही, घरच्या म्हशींची दूध असते, सोनू डाब्यावर यायचं आणि तिथं दही खायचं। ये प्याज का चटनी है, स्पेशली पकोड़ों के साथ आता है, स्पेशली पकोड़े के साथ आता है। ये रेडी हो गए। कितने का प्लेट आता है? 50 रुपये का। हाँ सोनू ढाबा है, त्याच्यावर आम्ही आलेलो आहोत आता, आणि जसं आम्ही सांगितलं की सगळं छान है, तुम्ही येऊ शकता, मस्त है। अभी ये हमारा पिटला भाकरी का स्पेशल प्लेट खाने के लिए रेडी है, अभी आप इसको ट्राई करके बोलिए कैसा है खाना। थैंक यू। एक बजे लाओ, चल दो गरम गरम ज्वारी का रोटी, साथ में पापड़ रोस्ट किया हुआ, और ये मिर्ची ठेसा, और इनका ये स्पेशल लाल वाला कांदे का चटनी, उसके बाद में यहाँ पे है पिटला, ये स्प्राउट है मटकी उसल और भरित, और ये है राइस। ये देखिए ये स्पेशल मौसी का मटका दही। ऐसी प्राइस क्या आते? 30 रुपये। 30 रुपये, ठीक है। 30 रुपीज़ में एकदम मस्त गाढ़ा सा दही, जैसा बताया ना कि उल्टा करे भी तो नहीं गिरता है, देखिए इतना जमा हुआ है, मस्त से फ्रीज हुआ है ये। में थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे, देखिए फॉग हुआ है, देखिए पूरा फॉग फैला हुआ है, बारिश का मौसम है, मस्त से ट्राई करते हैं मस्त से। सबसे पहले ये वांगा भरित, साथ में कांदा मिर्ची चटनी और पापड़ का मज़ा। बारिश में आप आएंगे ना, एक अलग ही इसका खाने का मज़ा रहता है। देखिए ये सिंहगढ़ फोर्ट पे है, जब आप सिंहगढ़ पार्किंग में आओगे, सिंहगढ़ फोर्ट के पार्किंग में आओगे, 3 दरवाजे चढ़ के आने के बाद सीधे सीधे आना है, उसके बाद में आपको एक फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस लगेगा, उसी से थोड़े आगे आने के बाद लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है, वहाँ से आप आओगे तो पहला ही बोर्ड है सोनू ढाबा। आइए, ज़रूर आइए, खाना हमारा ट्राई कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा आप आओगे तो।